सो फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा। तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है, सारा काम फटाफट निपटाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, ये मैं दिखा रही थी आपको बाहर का व्यू। मेरे बच्चे ट्यूशन से आने के बाद स्कूल के लिए तैयार हो गए थे और मैंने लगाए हुए थे अपने मोबाइल के छोटू से स्पीकर में अच्छे अच्छे से सवेरे सवेरे भजन। अभी धूप अच्छी तरह से खिली हुई नहीं थी लेकिन व्यू बहुत प्यारा सा लग रहा था। और ये रहा हमारा घर, बहुत ही प्यारा सा सजाया हुआ है टेंट से और टिमटिमाती हुई लाइटों से, और बाबू लोग कर रहे थे बस का वेट। और घर बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा घर। पूरा घर हमारा और हमारे चाचा ससुर जी का घर जो है अच्छे तरीके से, जो हम टेंट वालों ने है ना बहुत प्यारे से तरीके से सजाया हुआ था। और ये हमारे घर के जो पीछे वाला खेत है उसमें भी ये पूरा टेंट लगा हुआ है। इधर हमारा खाने वगैरह का जो भी है वो सारा उधर है। तो ये देखिए, ये हमारे एक नई मेहमान से आप मिलिए, ये हैं हमारे मानू जो डियो के संग है। ये मानू हमारी ननद जी जो हैं उनके छोटे वाले बेटे हैं जो कि डियो को घुमा रहे थे बड़े ही शौक से और बोल रहे थे हमारे साथ कि ब्लॉग बनाओ। तो मैं ये आपको दिखा रही थी। तो ये देखो इतना प्यारा सा खूबसूरत लग रहा है हमारा आज से कल घर, बहुत ही सुंदर सा और खूबसूरत सा। तो दिन की शुरुआत अब हो ही चुकी है और यह है छत से नज़ारा। ये हमारे घर के पीछे वाला खेत में जो है इस तरीके से टेंट लगा हुआ है और इधर टेंट के पीछे यहाँ पर बन रहा है खाना, बर्तन वगैरह जो भी है सारा इधर। तो नाश्ते का टाइम हो गया था सुबह, कुछ लोग खा रहे थे और बन रहा था और खा रहे थे, कुछ आ रहे थे लोग खा रहे थे। बस अभी सुबह 8:30 के समथिंग का ये टाइम था। तो अभी ज़्यादा लोग आए हुए नहीं थे। नाश्ते में सुबह छोले और भटूरे बना हुआ था फटाफट लेट करने के बाद। ये देखिए सास और बहू की चाल जो है ना एकदम तड़कती भड़कती हुई, ये टोली जा रही थी अपने मोहल्ले में निमंत्रण देने के लिए। जो पहाड़ियों में कहा जाता है ना कि दुल्हन के घर से कोई जाता है और सबके घर में जा जा के चूल न्योत का जो निमंत्रण देता है वो काम कम्प्लीट किया, ये लास्ट घर था। तो सास बहू ने जाके सबसे पहले सभी लोगों को निमंत्रण दे दिया था जिसको चुलन्योत कहा जाता है हमारे पहाड़ी भाषा में। चुलन्योत मतलब सब परिवार निमंत्रण सौंपा जाता है सभी लोगों के घर घर जाके सिर्फ अपने मोहल्ले पे। तो ये काम खत्म करने के बाद फटाफट से हम लोग घर आए। ये देखिए सासू माँ की हमारी चाल देखिए, फटाफट घर आए। तो घर में आने के बाद सासू माँ ने तुरंत हमें काम दिया कि थोड़ी सी जो मालाएँ पड़ी हुई हैं उससे मंदिर को थोड़ा सा डेकोरेट कर दो। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये किया, तो मंदिर के लोग कुछ बच्चे थे यहाँ पे, कुछ बड़े थे, बस सबकी चहल कदमी और प्यारी सी धूप खिली हुई थी। तो इस तरीके से हमने डेकोरेट किया था मंदिर को। ये थी हमारी अंशु जो हमारी हेल्प कर रही थी। इस तरीके से हमने घर और दहली को जो है सजा दिया था और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी मालाएँ लग रही थी। तो इसके बाद ना दिन में मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैंने कहा क्यों ना खुद को थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो मैंने फटाफट से अपने घर पे रखे हुए एक प्यारे से प्रोडक्ट से खुद का फेशियल करने का सोचा। खुद से होता तो नहीं है लेकिन फिर भी जो प्रोडक्ट है ना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छे से रिजल्ट हैं। और मैंने खुद से ही सबसे पहले ये क्लेंजर से अपना चेहरे को जो है साफ किया था थोड़ा सा। बहुत ही ये जो प्रोडक्ट है ना मेरे पास उसके रिजल्ट मुझे इतने अच्छे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि हर टाइप की स्किन पर काम करता है। ये देखिए ये है, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और इसमें कम से कम 15 फेशियल इसमें आराम से हो जाएंगे। तो ये था इसका क्लेंजर और इसके बाद ये था इसका स्क्रब। क्लेंजर मेरा हो गया था, मैंने अच्छे तरीके से फेस को साफ कर लिया था, धो लिया था और उसके बाद अब आई बारी स्क्रब की। तो साथ साथ मैंने बाल भी धो लिए थे क्योंकि बाल भी धोए हुए नहीं थे मॉर्निंग में, तो अभी मैंने बाल धोए। तो अब इसके बाद ये था इसका स्क्रब। तो चेहरे में धीरे धीरे से स्क्रब के अंदर जो है ना बहुत बारीक बारीक दाने होते, तो इससे बहुत आराम आराम से चेहरे को हमें साफ करना होता है। और कुछ भी
प्रोडक्ट ना बहुत 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 ही प्यारा है। आप लोग एक बार जरूर से जो भी मेरी वीडियो पे विजिट करता है ना वो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। तो इसके बाद आई मेरी मसाज की बारी। तो ये था मसाज क्रीम मेरा, और वाओ इस क्रीम की ना मैं आपको बात में बता नहीं सकती, इतना प्यारा क्रीम है, इतना आराम देता है ये। इसके बाद बहुत ही हल्के हाथों से मैंने 5 से 6 मिनट अपने चेहरे को सिर्फ मसाज किया था। वाओ इतना रिलैक्स फील कर रहा था फेस, इतना रिलैक्स फेस पे, इतना प्यारा सा एक सुकून था, बहुत ही अच्छा। तो अपने आप से जितना भी मैं कर पाई थी मैंने किया था, क्योंकि मुझे पार्लर वगैरह जाने का टाइम मिला नहीं था, तो जितना टाइम मिला था मैंने घर पे किया था। ये देखिए बिल्कुल से इतना सुंदर सा मेरे को इसका रिजल्ट मिला। तो सबसे लास्ट में आई बारी फेस मास्क की। तो इसके बाद मैंने इसे यूज किया, ये उतर गई मेरे में से ना ज़्यादा निकल गया था, तो फिर मैंने पूरा ही यूज कर लिया, क्योंकि इसे मैं बॉटल में वापस तो नहीं डाल सकती, लेकिन मैंने इसे पूरा यूज कर लिया। 15 मिनट इसे रखने के बाद मैंने वॉश कर लिया था और रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा इसका मिला था। तो दोपहर के खाने के लिए हम तैयार हो गए थे। बस आजकल तो खाओ और थालियाँ रख दो भाई। आज खाने में हमारा था पूड़ी, दाल चावल, सब्जी, सैलेड, अचार। तो खाना खाया इसके बाद ये समय था 3 बजे का और मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाहरी चलाऊंगी नैरन के। तो मैं तैयार हो रही थी और देवरानी शाह के साथ अपनी राम प्यारी में हम लोग चल दिए थे और जाते हुए बना रहे थे छोटा छोटा सा वीडियो। और हम लोग कहाँ जा रहे थे आप वीडियो बन रही है, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए थे। हम लोग गए हुए थे ना एक शादी में, वो शादी थी हमारी जो ननद जी की शादी हो रही ना उनके ससुराल पे, वहाँ से हमें कार्ड आए हुए थे। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा देर जाना बहुत ज़रूरी था। तो ये थी यहाँ पर हमारी ननद जी की ननद, इनकी शादी थी आज, इनकी महिला संगीत, इनकी लेडीज संगीत आज इनका था। तो हम लोग यहाँ गए थे। ये हैं दुल्हन जी, बहुत ही प्यारी सी लग रही थी, छोटी छोटी दुल्हन है ना, आजकल इनकी हाइट वगैरह हमारी हाइट वगैरह इतनी होती है, तो हमें छोटी छोटी दुल्हन है बड़ी प्यारी लगती है। तो बहुत प्यारी लग रहे थे ये, और ये इनका बहनों का ग्रुप डांस था जो कि इनके भाई की शादी है। तो ये था इनका अपना डांस, बहुत ही प्यारी सी गुड़िया सी लग रही थी। और हम लोग कुछ देर यहाँ रुकने के बाद फिर हम लोग घर को आ गए थे, क्योंकि शाम के टाइम पे है ना घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे। तो ये इनका प्यारा सा डांस था, और इसके बाद इनको जो लास्ट पे होता है ना दुल्हन का, बहुत सारे लोग इन्हें आशीर्वाद के तौर पर पैसे वगैरह जो घुमाने का वो होता है वो सारा कुछ हम लोगों ने देखा था। थोड़ी देर बैठे थे हम लोग, ये देखिए ये दुल्हन के जो है नाना जी हैं, देखो सो रहे हैं है ना, एक उम्र के बाद भी इनका जज्बा देखिए, इनका डांस देखिए, वाह मज़ा आ गया। तो ये देखिए लाडली को अभी विदा करने की भी बारी आ चुकी है। तो इन लोग का हमने सभी का हम लोगों ने डांस इंजॉय किया, और दुल्हन क्या कहने है ना। आप लोग को दुल्हन कैसी लग रही है जरूर से कमेंट कीजिएगा। ये देखिए इनके पापा जी हैं और ये भैया जी लोग इनके। तो हम लोग इसके बाद आ गए थे वापस, आते वक्त हमें लग रही थी बहुत सारी ठंडी, क्योंकि हम चले थे हाफ में। तो शाम का टाइम था और बच्चों मेरे लाडलों की पूजा पाठ हो रही थी, आरती हो रही थी, और मैं सारा और काम निपटा रही थी तब तक। तो इनकी पूजा करते हुए मैंने आपको ये जो है अपना रात में जो है व्यू दिखाया बाहर का, अपना घर की सजावट, टिम-टिम लाइटें और ये टेंट, मतलब इतना प्यारा डेकोरेट लग रहा है घर आजकल हमारा, बहुत ही प्यारा। तो सभी बड़े बुजुर्गों की चहलकदमी, शाम का टाइम है और ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है हमारा घर। और ये देखिए यहाँ पर, यहीं पर अब तैयारी होने लगी है कल हल्दी की, कल को हल्दी है तो ये हल्दी का मंडप तैयार होने लगा।
तो ये देखिए मन्नू भाई खेल रहे हैं, हमारे लब्बू कुट्टू भाई खेल रहे हैं, खूब सारी मस्ती कर रहे हैं, बच्चों को तो एंजॉय करने का फुल 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 टाइम मिला हुआ है। ये देखिए ये लोग कुछ बज भी नहीं रहा था, बस यूं ही डांस किए जा रहे थे, डांस किए जा रहे थे, अपनी खुशी जाहिर किए जा रहे थे। आप लोगों को घर हमारा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर से जरूर बताइएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अभी रात के खाने का टाइम था तो सारे लोग मतलब हम लोग इकट्ठा हो गए थे और खाने की तैयारी हमारी फुल थी। और रात के खाने में था तंदूरी रोटी, सैलेड, सब्जी, दाल और चावल। तो सभी लोगों ने खाने को एंजॉय किया और ये हमारी छोटी सी मंडली बैठ गई थी हंसते मजाक करते हुए। हम लोग कुछ देर तक यहाँ पर बैठे रहे क्योंकि ये एक ना मतलब क्या ही बोलूँ। तो उसके बाद हम लोग कुछ टाइम के लिए अंदर बैठे और हमारी एक भजन मंडली बैठ गई और भजन करना स्टार्ट किया और खूब सारा हम लोगों ने जो है एंजॉय किया। सब लोग मस्त होके बस भजन कर रहे थे थोड़ी देर के लिए और सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो उसके बाद आई थी बारी डांस की, तो उसके बाद हमने किया सब लोगों का डांस एंजॉय। मज़ा आया। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट, आप लोग के लाइक, आप लोग के शेयर जो है हमें आगे मेहनत करने में, आगे ब्लॉगिंग जो भी हम काम करते हैं ना, आप लोगों का जो ओपिनियन होता है वो हम लोगों के लिए बहुत 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 ज़रूरी होता है। हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब सारा इंजॉय कर रहे थे और मेरी देवरानी ने छीन लिया था मुझसे मेरा ये। अच्छा इसने मुझे शायद खिलाया भी नहीं, ठीक है, बड़ी अच्छी है ये। और ये देखिए हमारी छोटी नानी की दुल्हन, इनका डांस बहुत ही प्यारा था। और ये थी इनकी दीदी, ये थी प्यारी सी ना छोटी छोटी, मैंने बोला ना आजकल की दुल्हनें बहुत ही प्यारी लगती हैं। और ये थी दुल्हन की मामी जी। तो धीरे धीरे इसी तरीके से मैं ब्लॉग में आप लोगों को के साथ सभी लोग का इंट्रो भी करती ही रहूँगी। आप लोग बस वीडियो पे बने रहिएगा, मेरा हर ब्लॉग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये थे दुल्हन की मासी जी। बस एक एक करके हम सभी लोगों को बस डांस करवा रहे थे, खूब सारी मस्ती कर रहे थे। ये दिन ना हमेशा 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 याद रह जाते हैं। और ये मेरी देवरानी था और मैं, हम कैसे लग रहे हैं वो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये हम मतलब ये फोटोशूट तो ये हमारी है अंशु। इस तरीके से हम अंशु को डांस करवा रहे थे। अंशु बड़ी मुश्किल से उठे थे, फिर उठने के बाद भी डांस नहीं कर रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से हमें इन्हें डांस कराना पड़ा। ये देखिए, और डांस तो प्यारा सा कर रही थी और लेकिन कर नहीं रही थी, है ना। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय, लव यू ऑल।